हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल ओवर एनसीईआरटी। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज़ एज वेल। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हम रूलिंग द कंट्रीसाइड वाला जो चैप्टर था वो बहुत ही अच्छी तरह हमने पढ़ लिया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है और कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। हमने क्वेश्चन आंसर्स इसके देखे नहीं थे लेकिन फिर भी क्वेश्चन आंसर्स की आज हम अच्छी तरह रिवीजन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रूलिंग द कंट्री साइड के क्वेश्चन आंसर्स से, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो सबसे पहले अगर हम लोग सबसे लास्ट पेज में जाएँ क्वेश्चन आंसर्स वाले में, तो यहाँ पे हमारे पास आता है लेट्स रिकल और यहीं से हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन आंसर। रायोट्स को आप किसके साथ मैच कराएंगे? रायोट्स जो थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, अब आपको इसमें दिया है विलेज पीजेंट कल्टीवेशन और रायोट्स लैंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांटर्स ओन लैंड। तो वही रायोट आपके सीधे साधे बेचारे पीजेंट थे। नेक्स्ट आता है महल। महल मतलब विलेज, महलवाड़ी सिस्टम जो आपने पढ़ा था, महल विलेज। फिर है निज। निज क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ प्लांटर्स ओन लैंड या कल्टीवेशन ऑन रायोट्स लैंड। तो अगर निज की बात की जाए डियर स्टूडेंट, निज क्या है? निज आपको और कुछ नहीं बल्कि आपका इसका आंसर था कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड। अब नेक्स्ट आता है रायोती। रायोती में आपका है कल्टीवेशन ऑन निज में क्या होता है डियर स्टूडेंट, निज में जो रायोट्स होते थे उनके जो फर्टाइल लैंड्स होते थे उसमें राइस वो नहीं उगा पाते थे क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स द्वारा बहुत फोर्स कर दिया जाता था। रायोती वाले सिस्टर्स में जो था उन्हें एग्रीमेंट साइन कराया जाता था जिसमें वो प्लांटर्स उन्हें सीड ड्रिल और वगैरह प्रोवाइड कराते थे, लेकिन बाकी चीज़ें रायोट्स को खुद करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर मैम मैच द फॉलोइंग भी हो चुका है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। ग्रोवर्स ऑफ वोड इन यूरोप सॉ क्या डैश एज अ क्रॉप विच विल प्रोवाइड अ कॉम्पिटिशन टू देयर अर्निंग्स। ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ डैश एज अ क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो कि उनको कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कराएगी अर्निंग में। अब देखो वुड की बात की जा रही है, वुड की इंडिगो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इंडिगो। सॉ इंडिगो एज अ क्रॉप विच विल प्रोवाइड कॉम्पिटिशन टू देयर अर्निंग। नेक्स्ट आता है द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ क्या? इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनमें कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था। इंडस्ट्रीज इंक्रीजेस कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ। तो कौन से डिस्कवरी से इफेक्ट हो गए थे? डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज, क्योंकि अगर सिंथेटिक डाइज का इन्वेंशन हो गया था तो इंडिगो का कोई मतलब नहीं रह गया था, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते थे संप्रण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन एंड कल्टिवेशन, क्योंकि महात्मा गांधी को जब बताया गया था तब ये वाला मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स में डियर स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मानना चाहिए हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में आपको इतिहास, आपके भारत का इतिहास बताया जा रहा है, तो इसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मेन फीचर्स की बात करूँ तो एक तो ये था कि अमाउंट डैट हैड टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, मतलब कि जो अमाउंट हमें पेड करना था वो एकदम फिक्स्ड था, ज़रूरी नहीं कि उस वो बढ़ेगा वो कम होगा, ऐसा नहीं होता था, फिक्स्ड रहता था। दिस वॉज थॉट टू एश्योर द स्टडी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी ऑफिशियल्स। अब भाई देखो ब्रिटिश है, ब्रिटिश हर कोई चीज़ ऐसे तो करेगा नहीं कि भाई उसमें कुछ कोई इसका फ़ायदा ना हो, तो वो सोचे थे कि हर एक महीने उनको एकदम स्टडी स्ट्रीम यानी कि अच्छी तरह सप्लाई आती जाएगी रेवेन्यू की, तो ऐसा होगा भी नहीं कि भाई ज़्यादा लोड उन पर भी आए, वो सब लोग खुश रहेंगे क्योंकि फिक्स रेवेन्यू। तो इफ़ द जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू दे लॉस देयर ज़मींदारी क्लेम, लेकिन अगर ज़मींदार रेवेन्यू पे नहीं कर पाते तो उनसे उनकी ज़मींदारी क्लेम ले ली जाती थी।
हाउ वॉज द महालवाड़ी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट. तो अगर महालवाड़ी सिस्टम की बात की जाए तो महालवाड़ी सिस्टम वॉज डिजाइंड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822 को हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी सिस्टम को बनाया था. वहीं पर अगर मैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करूँ तो लॉर्ड कॉर्नवेल्स इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था. इट वॉज क्रिएटेड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर परमानेंट सेटलमेंट. महालवाड़ी सिस्टम को एज अ रिप्लेसमेंट बनाया गया था. वहीं पर अगर मैं परमानेंट सेटलमेंट की बात करूँ तो इट वॉज डिजाइन टू इंश्योर इन ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टेंट, यानी कि बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट है. रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय द लोकल हेडमैन्स इन महालवाड़ी सिस्टम. महालवाड़ी सिस्टम में लोकल हेडमैन्स कलेक्ट करते थे. वहीं पर जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसमें रेवेन्यू जो था राजा और तालुकदार द्वारा कलेक्ट किया जाता था. ठीक है, सबको क्लियर हो गया यह पॉइंट. अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि है गिव टू प्रॉब्लम विच अरोज विद द न्यू मुंडरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू. दो ऐसी प्रॉब्लम्स जो आती थी नए मुंडरो सिस्टम के साथ जो फिक्सिंग रेवेन्यू वाला था. मुंडरो सिस्टम की बात की जा रही है, जो न्यू मुंडरो सिस्टम आया था. जो दो प्रॉब्लम फेस की जाती थी मुंडरो सिस्टम के साथ, पहली तो ये थी द रायोट्स वर सपोज्ड टू इम्प्रूव देयर लैंड बट दे डिड नॉट. द सिस्टम सपोर्टेड द पीजेंट टू गेट चेंज इनटू रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर्स बट दिस डिज नॉट हैपन. तो वो था क्या उसका, वो रायोट्स को वो चाहते थे मुंडरो सिस्टम में कि वो अपने लैंड को इम्प्रूव करे, लेकिन उन्होंने करा नहीं. ये सिस्टम सपोर्ट करता था पीजेंट को ताकि वो रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर्स में चेंज हो जाए, वो रिच हो जाए, उनके पास पैसा आ जाए. और लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. द रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड. रायोट्स वर नॉट एबल टू पे दिस मच रेवेन्यू. तो रेवेन्यू ऑफिशियल जो थे उन्होंने इतनी ज़्यादा रेवेन्यू की डिमांड कर दी कि रायोट्स ने पे ही नहीं कर पाते थे. तो भाई जब रायोट्स पे ही नहीं कर पा रहे हैं तो रिच कहाँ से बनेंगे, है ना. सो ये सिंपल सी बात थी. व्हाई वर द रायोट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो. व्हाई वर द रायोट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो. अब ये आता है आपका छठा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन. ठीक है, तो अब देखो अगर मैं रायोट्स रिलक्टेंट, यानी कि उनको दुख क्यों था इंडिगो ग्रो करने का, क्योंकि रायोट्स वर रिलक्टेंट बिकॉज दे वर पेड वेरी लो प्राइजेस फॉर इट. क्योंकि पहले तो उनको बहुत कम पैसा मिलता था उसके लिए. उसके बाद फिर रायोट्स वर आस्क्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन द फर्टाइल पार्ट्स ऑफ देयर लैंड बाय द प्लांटर्स. प्लांटर्स उन्हें कहते थे कि भाई सबसे फर्टाइल पार्ट्स में उगाओ, जहाँ पे वो राइस उगाते थे, राइट. और अगर एक बार इंडिगो उग गया तो उसके बाद फिर राइस कल्टिवेशन नहीं हो सकती थी, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो इंडिगो ने पहले ही ले लिए, है ना. वॉट आर द सर्कमटेंसेज विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल. तो भाई इसमें भी देख लो क्या आंसर होगा. द सर्कमटेंसेज विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल वर रायोट्स डिनाइड प्रोड्यूसिंग इंडिगो एनीमोर. तो रायोट्स ने इंडिगो प्रोड्यूस करने से मना कर दिया था. उसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस बाय पीजेंट्स. रायोट्स वर सपोर्टेड बाय द जमींदार्स. तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था पीजेंट द्वारा, फार्मर्स द्वारा. रायोट्स को भी सपोर्ट किया जाता था. जो रायोट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको जमींदार्स द्वारा सपोर्ट किया जाता था. फॉलोइंग द प्रोटेस्ट इंडिगो कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट विच एक्सेप्टेड फॉल्ट ऑफ प्लांटर्स एंड आस्क्ड प्लांटर टू स्टॉप द कल्टिवेशन. तो जब उन्होंने फॉलोइंग करा प्रोटेस्ट जो, तो इंडिगो कमीशन थे उनको पता चला कि इसमें फॉल्ट जो है प्लांटर्स का है. वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू मांग रहे हैं, इतना ज़्यादा रायोट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं, उन पर लोन ही लोन उनको दे रहे हैं, जिससे कि उनकी लोन की साइकिल कभी हो ही नहीं पा रही. द प्राइस द रायोट्स गॉट फॉर द इंडिगो वॉज वेरी लो. दे हैड टू टेक लोन टू रीप्रे देयर प्रीवियस लोन. दस द साइकिल ऑफ लोन वॉज नेवर एंडिंग. तो प्राइस जो रायोट पीजेंट को मिलता था फॉर देयर कल्टिवेशन वॉज वेरी लो, बहुत कम था, जिससे कि उन्हें उस लोन लेना पड़ता था ताकि वो उसे चुकाए, जो उसका प्रीवियस लोन है उसको चुकाए. और ऐसे करके उनकी लोन की साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होती थी. किसी दिन रायोट अपना घर और सब बेच के खुद सुसाइड करके मर जाएगा, ऐसी सिचुएशन हो गई थी उस समय. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हमने कर लिए. ठीक है,
तो आप देखो लेट्स डू जो है वो सब आपके लिए है, इसमें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फाइंड आउट मोर अबाउट द चंपारण मूवमेंट दैट गांधी जी रोल क्या था उसमें, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन तो यहाँ पे हमने चैप्टर इतनी अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं डियर स्टूडेंट। बिलीव इन मी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इसको। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट मोर वीडियोज़ लाइक दिस ओनली वी ब्रिंग फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच।